हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस 49568 जो आपकी भर्ती है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है, तो आई होप कि आप इस वीडियो को पूरी लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपसे रिलेटेड आपके लिए बेनिफिट्स हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि हम यूपी पुलिस के जो है ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं पता होगा, आई होप कि आपको पता हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता। जैसे कि आपको पता होगा, एक नोटिस वायरल हो रहा है DBPHT से रिलेटेड, जो कि फैक्स है। ठीक है, ईमेल के थ्रू है, वो भी इंटरनल नोटिस है। ठीक है, लेकिन हमने प्रीवियस वीडियो में आपको उस नोटिस के बारे में बताया था। ठीक है, और मैंने आप पर छोड़ दिया था, और मैंने बोला था कि अगर ये ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर उससे रिलेटेड DBPHT से फ्रंट पेज पर आ जाए तो हम मान सकते हैं कि ये जो है रियल है, लेकिन जो हम अंदाज़ा जता रहे थे, ठीक है, वो साबित होता नज़र आ रहा है। जैसे कि सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें, ठीक है, कि आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हो तो आपको पता होगा कि जो इमरजेंसी जो आपका नंबर था 100, मतलब जो 100 नंबर था वो अब चेंज हो चुका है, अब वो 112 हो गया है। मैं आपको ऑफिशियली दिखा रही हूँ ताकि आपको ये ऑलवेज पता रहे। ठीक है, कि मान लो आपसे कोई पूछते यही तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे अभी आप देख सकते हो कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। ठीक है, हमने सोचा कि आपको ऑफिशियली बता दिया जाए ताकि आपको जो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है उनको ये पता हो जाए, क्योंकि रिजल्ट से पहले जो है आपको अपने यूपी के बारे में जानना चाहिए जो नई चीज़ें हो रही हैं। अब चलते हैं, हम नोटिस देख लेते हैं। जैसे आपने वो नोटिस पढ़ ही लिया होगा, लेट्स सी, तो आप देख सकते हो ये आपकी जो है ये नोटिस है, और आई होप कि आपने इसे डिटेल्स में भी पढ़ लिए होंगे। ठीक है, अब जैसे कि हमने बोला था कि अगर ये रियल होगा तो ये ऑफिशियल साइट पे तो आएगा ही, लेकिन आप देख सकते हो ऑफिशियल साइट पे अभी तक इसके बारे में जो है कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कहीं भी नहीं है। जी हाँ, जैसे कि आप देख सकते हो, और यहाँ आप देख सकते हो ये आपका 18 नवंबर का जो है ये जो है वायरल हुआ था, जो कि एक फैक्स के माध्यम से जो है एक ईमेल के थ्रू जो है वायरल हुआ था, और उनके लिए, उन अधिकारियों के लिए था जो कि आपका DBPHT कराना है उनको। ठीक है, और इसमें ये दिखाया गया है कि बोर्ड की तरफ से जो है वो भेजा जा रहा है उनकी तरफ, ठीक है, ताकि हम कराना चाहते हैं, आप तैयार हैं कि नहीं। और इसको ऐसे दर्शाया गया है जैसे कि ये बिल्कुल जो है ये आपको रियल लगेगा, लेकिन इसमें आपको कट भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आप सही से देखोगे तो। और हाँ, अगर आपको यूपी पुलिस बनना है तो आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। ठीक है, जैसे एक गलती तो वो ये कर दिए हैं, ये आपका जो चेंजेस है ना 100 जो है डायल नंबर, ठीक है, ये आपका एक मंथ पहले ही चेंज हो चुका है। जी हाँ, अगर आप न्यूज़ डेली देखते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा, आई होप। ठीक है, तो इनको ये नहीं पता, तो ये तो चेंज नहीं किए हैं। ये आपका जो है जो 41,520 की जो आपकी वैकेंसी है ये नोटिस में जो है एडिट करा गया है। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ, मतलब कुछ भी आप देखोगे ना, मतलब कि 100 बात की एक बात यही है कि जो ये आपका नोटिस है, ठीक है, ये बिल्कुल फेक लग रहा है, और फेक इसलिए है क्योंकि इसमें जो पुरानी चीज़ें हैं उसे चेंजेस नहीं किया गया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उस पर ही फोकस करा गया है। ठीक है, और ऐसी नोटिस जो है वो आपकी बार बार वायरल हो रही है, और ये करने वाला हम ही में से आप कोई होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से होगा, उनको पता है कि रिजल्ट का वेट हम सभी कर रहे हैं, कि जो आपका रिजल्ट है वो जल्द जो है वो डिक्लेयर किया जाए, और वो आप सबको थोड़ा और परेशान, क्योंकि आपको पता है आप 10 महीने से जो है इंतज़ार कर रहे हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो बार बार ये भी कमेंट्स कर रहे हैं कि रिजल्ट ना आने की वजह से उनकी जो शादी है वो रुकी हुई है, तो रिजल्ट कब तक आएगा, हम धरना प्रदर्शन जो है वो करें क्या,
मतलब इसके लिए ग्रुप भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, कि एक जो स्टूडेंट्स हैं वो इकट्ठा हो एक साथ और एक धरना प्रदर्शन दे, ताकि जो भर्ती बोर्ड है वो रिजल्ट जारी कर सकें। लेकिन फ्रेंड्स, जो भर्ती बोर्ड है वो भी एक तरह से ना हम सभी के साथ मजाक कर रहा है। जैसे कि आपको पता होगा, बहुत सारी भर्तियां तो निकाल रही है, लेकिन वो प्रक्रिया जो है पूरी नहीं की जा रही है। अभी भी आपकी 41,520 की जो भी भर्ती है उसकी प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुई है। जो पीएससी की कैंडिडेट है 18,000, ठीक है, उनको भी अभी तक ज्वाइनिंग पर नहीं भेजा गया है। तो हो सकता है कि उनको जो है दिसंबर में जो है वो भेज दिया जाए ज्वाइनिंग पर। और एक ओर से देखा जाए, ठीक है, अगर एक ओर से देखा जाए तो आपका रिजल्ट, अगर आपने इतना दिन वेट किया है तो 10-15 दिन और वेट कर सकते हैं, ताकि जहां आपको मौका मिलना चाहिए आपको मौका मिल सकता है। जैसे कि अगर आपको पता होगा, अगर पीएससी वाले ज्वाइनिंग पर चले जाएंगे तो हो सकता है कि उनकी सीटें आपको मिल जाए। जी हाँ, हो सकता है, क्योंकि हर किसी को बड़ा पद की उम्मीद होती है कि उनको बड़ा पोस्ट मिले। तो हो सकता है कि पीएससी वाले स्टूडेंट सोचे, नहीं हम भी सिविल बन जाते हैं, ठीक है, तो अगर वो चले जाएंगे उसके बाद रिजल्ट आएगा तो आपके लिए और भी बेटर होगा, एक ओर से देखा जाए तो। लेकिन आप तो बस यही सोच रहे हो, बस रिजल्ट आ जाए कैसे भी, ठीक है, भले ही ज्वाइनिंग आपकी लेट से हो, बस रिजल्ट आए, DVPHT हो, आपका पेट जो है वो मतलब दौड़ जो है वो पूरा करा लिया जाए। तो फ्रेंड्स, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे बोलने से तो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। जब तक भर्ती बोर्ड जो है वो नहीं चाहेगा, जब तक हम एक साथ मिलकर कोई जो है आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जो आपका रिजल्ट है वो नहीं आएगा, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो ग्रुप बना रहे हैं, तो आप जल्दी से जल्दी उस ग्रुप को ज्वाइन करें। और अगर आप ट्विटर चलाते हो, ठीक है, तो आप ट्विटर के माध्यम से जो है ट्वीट करो, क्योंकि अगर आप ट्विटर से जो है ट्वीट करोगे तो वो जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो मैसेज है उनके पास ज़्यादा पहुँचेगा। और ट्विटर के थ्रू अगर हम मैसेज करते हैं, ट्वीट करते हैं, तो वो आपका जो है भर्ती बोर्ड सुनता है, ठीक है। तो अगर आप ट्विटर चलाते हैं तो ज़रूर आप ट्वीट करिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि हमारा इतना मार्क्स है तो क्या हम दौड़ना जो है वो अभी से स्टार्ट कर दें। तो हम चलिए आपको बता देते हैं कि आपको कितने मार्क्स हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी जो है वो अपनी करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो लेट्स सी, जैसे कि अभी आप देख सकते हो कि आपके स्क्रीन पर एक जो है कट ऑफ दिख रहा होगा, जो कि आपका एवरेज कट ऑफ है। जी हाँ, हमने प्रीवियस वीडियो में आपके लिए ये डिटेल्स में भी बनाया था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा, हम जो है अपना रनिंग स्टार्ट करें कि नहीं करें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो, हम आपको कम कट ऑफ नहीं बताएंगे, कि आप बस खुश हो जाओ, जो कट ऑफ जाने वाला है एवरेज वाइज हम वही कट ऑफ आपको इस वीडियो में बताने वाले। तो आप देख सकते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आप ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये आपका विथ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स हैं, ठीक है, विथ नॉर्मलाइजेशन आपके मार्क्स हैं। और अब आप अगर आप कमेंट्स बॉक्स में अपने रो मार्क्स कमेंट्स करोगे तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो सकता है कि नहीं, इस कटअप के अराउंड आपके मार्क्स आते हैं कि नहीं। तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और वहीं हम बात करेंगे OBC, ठीक है, तो 180, ठीक है, जैसे 180 मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो है वो एडमिट कार्ड जो है ओपन भी हुए थे, ठीक है। तो अगर OBC कैंडिडेट है तो हाँ, इस पर कमेंट्स करे थे कि हमारा 180 मार्क्स, हो सकता है कि इससे भी कम जाए आपका, लेकिन अगर प्रूफ है तो हम उससे ही आपको बता रहे हैं, ठीक है। और वहीं हम SC की बात करें तो 170 से ज़्यादा जो है वो आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला। वहीं हम ST की बात करें तो 160, ठीक है, इससे भी आपका जो है कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। मतलब कि अगर आपका मार्क्स जो है 100, मान लो ये विथ नॉर्मलाइजेशन है तो 190, ठीक है,
प्लस जो आपके 170 100 मतलब अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो अगर आपके 150 मार्क्स है तो आपको मतलब तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ये जो आपका पूरा जो फैकल्टी है ना, ये नॉर्मलाइजेशन पर नॉर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपको पता चल सकेगा। अगर नॉर्मलाइज अच्छे से हुआ तो आप ज़रूर पास होंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन में जो है बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, ठीक है। यूपीएसआई जो आपकी वैकेंसी थी 2016 की, उसमें नॉर्मलाइजेशन ऐसी हुई कि ये मामला आपका जो है कोर्ट में पहुंच गया। तो भर्ती बोर्ड इस बार चाहेगा कि आपको जितना नॉर्मलाइज नंबर कम मिले उतना बेटर होगा और कट ऑफ जो है आपका लो जाएगा, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड तो गलती करेगा नहीं, तो आप देख लो अगर आपके मार्क्स इतने हैं, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में करिए कि आपके रो मार्क्स कितने हैं, ठीक है, तो आपको अपनी रनिंग जो है वो स्टार्ट कर देनी है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था, ठीक है। और जब तक ऑफिशियल नोटिस फ्रंट पर ना आए तब तक आपको ये बार बार यूपी पुलिस रिजल्ट कब आएगा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप खुद ऑफिशियल पे जाकर चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मुझे आप सभी को यही इन्फॉर्मेशन देना था। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।